नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आपके अपने EMCG एकेडमी ग्वालियर चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RPF ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। मैं आप लोगों को रेगुलर जो है दोस्तों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आप लोग भी यदि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या आप लोग चैनल के कम्युनिटी टैब में जाके आप मुझे बता सकते हो। अपना नंबर दे दीजिएगा तो आपका भी अपना एक्सपीरियंस आप लोग यूट्यूब पर शेयर कर सकते हो। जैसा कि अभी हमारे साथी ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, इससे पहले भी मैं एक्सपीरियंस की एक और वीडियो डाल चुका हूँ। इसमें आप लोगों के लिए कुछ भी झूठा नहीं है, क्योंकि आप लोग यदि देखते होंगे कि आप लोग जो बहुत सारी वीडियो देख रहे हो, कुछ लोग अपनी झूठी वीडियो डाल रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ भी आप लोग करते हो, आप ही लोग मुझे बताते हो, उसी का ऑडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ। या लोग आप देख लीजिए, एक्सपीरियंस का जो है सेकंड नंबर का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। इससे पहले एक वीडियो मैं आप लोगों को डाल चुका हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि इन भाई ने अपन को एक एक चीज़ क्लियर करके बताइए कि क्या क्या वहां पूछा जा रहा है और हमको क्या क्या करके जाना है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, आगे की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इसको पूरा ध्यान से अंत तक सुनिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और मेरा नंबर आप लोगों को जो है चैनल पर मिल जाएगा। सबसे लास्ट में जाके यदि आप ढूंढोगे तो चैनल का नंबर मिल जाएगा। और यदि आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करते हो तो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो को पूरा। तो सर, आप मुझे बताइएगा, आप क्या हम एमपी से बोल रहे हैं? एमपी में कौन सी जिले से? श्योपुर एमपी में पड़ता है आपका श्योपुर? जिला हाँ से हूँ, मध्य प्रदेश। हाँ, तो सर आप अपना जो है एक्सपीरियंस अनुभव अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे एक भाई ने एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसका मैंने वीडियो अभी अभी डाला था। जी, आप हमारा 5 को 5 को था नासिक रोड में। हाँ, 5 को था सर। आप पूरा पूरा बताइए सर, आपका 5 को कहाँ था सर? सर नासिक रोड में था हमारा। नासिक रोड में था। जी चलो, बहुत अच्छा। कैसा रहा सर आपका? एक्सपीरियंस तो सही रहा, पास हो गए हैं। हाँ सर। मैंने 4 साल मतलब कि जैसे रूम पे रह के बनाया था खाना। हाँ एक्सपीरियंस काफी अच्छा था सब खाना बनाने का। A to Z बना लेता हूँ खाना शाकाहारी में। हाँ तो उन लोग बस केवल 4 चीज बनवा रहे हैं बस। क्या सर? पहले अब पहले में हुआ, पहले जो ग्रुप मतलब शुरू शुरू में गया उससे उन लोग से केवल आटा सनवा के छोड़ दिए। और उसके बाद मतलब लोई भी बनाए उन लोग आटा सानने के बाद। और टाइमिंग है उसमें केवल 5 मिनट था आटा सानने के लिए। हाँ और दूसरा दूसरा ग्रुप गया तो उससे लोई बनवाए, लोई एक साइज की सब लोग बनाए। फिर तीसरा ग्रुप गया तो ऐसे ऐसे हर ग्रुप से अलग अलग काम करवा रहा था। तो तीसरे ग्रुप से रोटी रोटी ज्यादातर ग्रुप से बनवा रहा है अभी। हाँ और सब्जी कटवा रहा था, वो कोई एक काम दे रहा था। कोई भी एक काम आप करवा रहे हैं? कोई भी एक काम करना है आपको अच्छा। बस। और 5 मिनट की टाइमिंग है उसके अंदर अंदर। और मेन मेन 4 काम है। आटा और लोई वाला तो मतलब शुरू के बंदे ग्रुप के जो कर दे रहे हैं तो कम से कम 1 आध किलो आटा सान दे रहे हैं। तो कम से कम उसमें 20-30 ग्रुप पार हो जा रहा है, 20-30 लोई बन जा रही है। तो अच्छा, केवल एक ही एक रोटी बनानी है, एक्स्ट्रा नहीं बनानी है। एक रोटी 5 मिनट में बनानी है तो एक रोटी है, वो आपको। डिसाइड कर दे रहे हैं तुम पास हो या फेल हो? हाँ वो उसी में बता देंगे आपको जो भी होगा। एक ही रोटी आप पे डिसाइड कर देगी। और दूसरा काम है सब्जी काटना। तो सब्जी भी कटवा रहे हैं? हाँ सब्जी में कटवाने में है कि मतलब कि जैसे मैं सब्जी में वो बोलेंगे कि सूखी सब्जी के लिए भुंजिया टाइप की काटो, और अगर सब्जी के लिए बोले तो मोटी में के बोलेंगे। वो 3 ऑफिसर है वहां पे। एक पहले गाइडेंस दे रहा है, पूरा बोल रहा है पहले ध्यान से सुन लो क्या करना है तुम लोग को। आपने हाँ मतलब 12 12 का बैच लगा था, 12 लड़कों का। हाँ 12 चूल्हे थे, बड़े वाली भट्टी है वहां पे। हाँ ज्यादातर लड़के भट्टी में निकाले जा रहे हैं हाँ क्योंकि अपन तो बनाए हैं छोटी वाली गैस में, हाँ ये अपनी घर वाली में। और बड़ी वाली भट्टी क्या है कि चालू करने में मतलब कि स्पीड हो जा रही है हाँ अचानक, हाँ तो वही लड़के अधिकांश तक गलती कर रहे थे। तो हमको केवल सब्जी काटने का मिला था और 5 मिनट टाइमिंग थी। उसने बोला कि सब्जी पतली काटनी है और सूखी सब्जी के हिसाब से। हाँ और सब्जी में सब कुछ नीचे रखा था हाँ और आलू छीलने वाली छीलनी नहीं थी, चाकू था हाँ वहां पे। तो हमारे ग्रुप में सब लड़के क्या किए कि आलू बिना छीले ही जल्दी जल्दी में काट दिए। हाँ सब्जी न्यूनतम में 5 आइटम मतलब कि आइटम में एक्स्ट्रा आइटम करना ही है आपको। 5 मिनट में आप जितनी सब्जी काट दो। तो हाँ सब लड़के तो मतलब कि केवल आलू और प्याज काटने में मतलब 5 मिनट लगा दिए। हाँ हमने हमने 5 आइटम काट दिए उतने देर में। और आलू को मैंने छीला था, केवल 12 लड़कों में मैं अकेले छीला था हाँ उस मतलब चाकू से। हाँ तो आलू छील के और सटाक से काट के वो कर दिया। तो फिर उसने आया देखा, बोले कैसे छीले। छीले
छिलनी तो थी नहीं, तो हम बोले सर चाकू इसे छील लिए, तो बोला कि पहले बनाते थे खाना, तो हम बोले हाँ 4 साल से सर एक्सपीरियंस है काम का, हाँ तो बोला कि चलो ठीक है। मैंने 5 आइटम उतने समय में स्पीड में काट दिया, थोड़ा स्पीड ज्यादा थी मेरी, तो हाँ चौकी एक जो होती है ना रोटी बनाने वाली अपनी घर पे लकड़ी वाली, उसी पे रख के काट दिए, दो चौकी रखी थी तो एक को उठा के एक पे काट दिए, और छिलका वाला एक डस्टबिन था, उस डस्टबिन में रखना है, बाहर नहीं फेंकना है, नहीं तो उन लोग घूमते रह रहे हैं चारों ओर, और कैमरा लगा है, कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल है, एक एक नंबर पे हर जगह, थोड़ा भी मतलब वो डिसमिस किए तो ज्यादा बंदे ले नहीं रहे हैं, हम लोग में टोटल 560 थे, 560 में मात्र 50 बंदों को लिया है, सबको बाहर कर दिया। बहुत कम लोग ले रहे हैं मतलब वो। हाँ बहुत कम, और सब्जी बनवा भी रहा है जो मतलब कट गई ना, हम लोग काट के आए ना तो हाँ पीछे वाले बैच से सब्जी बनवाया, कितने टाइम में, मतलब वो ही 5 ही मिनट में, 5 मिनट के अंदर में ही बनाना है, पूरा बन खाने लायक हो जाए और 5 मिनट में। हाँ 5 मिनट में खाने लायक बनाना है, थोड़ा ही मतलब ज्यादा सब्जी नहीं थी, टोटल मिला के कटा कटाया लेके 100 ग्राम बस सब्जी था, बस 2 भिंडी काटा था मैंने, एक आलू काटा था, एक टमाटर और एक प्याज और 2 मिर्ची, जल्दी जल्दी में स्पीड में, मतलब इतना टाइम में 5 आइटम कर दिया था, सबने दो दो बस आइटम करे थे, तो सबको मेरे ग्रुप से तो सबको फेल कर दिया, मेरे को ही बस पास किया था, तो यही सब था, और कुछ ज्यादा वो नहीं है, जो प्रैक्टिस किया होगा ना वो फेल नहीं होगा, ये मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। और रोटी में ज्यादातर गड़बड़ वही भट्टी वाला कर रहे हैं लड़के, वही मतलब उसमें ही सावधानी बरतनी है, नहीं तो बहुत स्पीड हो जा रहा है। हाँ वो भट्टी बहुत स्पीड हो जा रही है, और फिर मतलब तेज हो जा रही है, तो एक ही बार में देख के बोल रहे हैं कि जला डालोगे, ये करोगे वो करोगे, कभी गैस नहीं जलाए हो, ये कर रहे हो, ऑफिसर से आके बोल दिए मतलब गया आपका 10-15 नंबर गया, और इसमें रिजेक्शन का चांस पूरा रहता है आपका, और ऐसा ज्यादा वो करोगे ना, मतलब कि ज्यादा स्पीड एक लड़का कर दिया था, उसको वहीं पे झापड़ मार के भगा दिया, क्या उसको स्पीड, वहीं से निकाल दिया, मतलब क्या स्पीड कर दिया। मतलब वो गैस जो था ना, तो वो थोड़ा सा भी हल्का हिलाने पे भट्टी तो बहुत तेज हो जाती है, अपन को भट्टी जलाने का उतना एक्सपीरियंस है नहीं, एक बार भी अगर ऐसे जो भी लड़के अभी हैं जिनका होने वाला है, उनसे आप ज्यादातर यही बोलिएगा कि भट्टी बड़ी वाली एक आध बार जाके दुकान पे बन रहा है समोसे वोसे वाली पे एक बार ऐंठने वाला देख ले एक बार, कम से कम वो डबल वाली भट्टी है बड़ी वाली जो पार्टी में जाती है ना अपनी बड़ी वाली, दो दो चूल्हे वाली, वही वाली भट्टी है वहां पे, दो चूल्हे हैं और दो अलग हैं, दो स्टेप मतलब, और सब कुछ नीचे रखा हुआ है, सब्जी में सब कुछ है, शिमला मिर्च से लेके सब कुछ, थोड़ा ही थोड़ा है, और आटा सान के रखा हुआ है, बस रोटी बनानी है, और रोटी बनाने के लिए तवा मतलब लगभग 1-1.5 किलो का है, हाँ तवा 1-1.5 किलो का है, तो उसको मतलब कि उस पे बनाना है, उसको उठाने वाला नहीं है, उठाने वाला एक चिमटा है अलग से, अच्छा, उसमें हाँ उसमें उठाने वाला नहीं लगा है, तवा तो खुला है चारों ओर से। और आप अपने भाई लोगों को कुछ बोलना चाहोगे। हाँ बस भाई लोगों से यही बोलना चाहूंगा, जो भी मतलब एक्सपीरियंस करे हैं वही जाए कृपया, और मतलब जो एक्सपीरियंस नहीं है वो मेरे ख्याल से नहीं जाए, पैसे क्योंकि फालतू में बर्बाद होगा, और जो एक्सपीरियंस किए हैं वो अच्छा से अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ कि बड़ी भट्टी जो चालू करने का वो तरीका सीख ले, ज्यादातर वो वही बनवा रहा है, और एक एक्स्ट्रा हाँ काम मैं भूल गया था, आमलेट बनवा रहा है कोई कोई से, अच्छा एक्स्ट्रा में फास्ट फूड में बस आमलेट बनवा रहा है, और जो भी मतलब फालतू के लड़के बता रहे हैं ना कि ये बनवा रहे हैं वो बनवा रहे हैं, आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं वहां के कॉन्स्टेबल से पूछ के आया हूँ, वो उसने बताया कि रोज यही बन रहा है, केवल रोटी अच्छा यही सब्जी और आमलेट तक, अधिकतम आमलेट तक गया था, तो आमलेट में भी लड़के अधिकांश आमलेट तो लड़के बना ही लेते हैं, लड़की एक बनाई थी तो जला दी थी, हम लोग में 5 लड़कियां थी हम लोग के बैच में, पांच सौ हाँ साठ में अच्छा, तो लड़के लड़कियों का पांचों, एक साथ हो रहा है। हाँ लड़कियां 5 ही का फंसा था, अच्छा तो 5 थी तो अलग अलग ग्रुप में, कोई कोई एक एक गई थी किसी किसी ग्रुप में, तो वही बीच बीच में बट गई, हाँ तो लड़की ने जला दिया था आमलेट, तो लड़की फेल हो गई, लड़की पास नहीं हो पाई कोई भी, और सबने, और रोटी में ज्यादा वो हो रही है, रोटी भी नहीं फूल रही है किसी किसी की, ज्यादातर की नहीं फूल रही है, और ज्यादातर वहां छांटने वाले ही हैं, मतलब अलग ही कर रहे हैं ज्यादातर, आप कितना भी एक्सपीरियंस बाज हो, जितना भी कॉन्फिडेंस हो, आराम से करें, अगर रोटी बनाने को मिल गया तो 5 मिनट है आपके पास टाइम, लोई वोई सब बना के मिला है आपको वहां पे, आप जैसा भी हो मतलब वो करके अपना अच्छे से बनाओ ढंग से आराम से, 5 मिनट बहुत होता है एक रोटी निकालने के लिए, बहुत होता है।
और सब्जी भी काटने के लिए, मान लो तो सब्जी काटने के लिए 5 मिनट बहुत होता है, बनाने के लिए वही 5 मिनट। और तेल का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि तेल में बहुत वो कर रहा था। हमारे भाई लोग और भी थे जो साथ में, उन लोग से सब्जी बनवाया था तो बोल रहे थे कि हम तेल एक्स्ट्रा डाल दिए थे, तो बोल रहा था कि इतना तेल नहीं चलेगा। और अच्छे से भूंज के मसाला वहीं पे सूखा रखा हुआ है, डब्बी में 6-7 मसाले हैं। मसाले में कुछ मतलब यही सिंपल अपना घर वाला धनिया है, हल्दी है, मिर्ची है लाल वाली, और जीरा है, और काली मिर्च है, वो सब मतलब डालने वाला सब कुछ है। अच्छा मतलब उसमें सब पहचान में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी कभार पूछ भी दे रहे हैं कि ये कौन सा मसाला डाल रहे हो, नमक ऐसा वमक सब है, तो उसमें खैर वो गड़बड़ होने वाला नहीं है। खुला एरिया में बड़ा हॉल में बनवा रहे हैं खाना, और टाइमिंग थोड़ा बैठा के ज्यादा ले रहे हैं, बैठा रहे हैं बहुत देर तक। काम तो ऐसे 5 ही मिनट का है, वो 5-10 मिनट का, और उसके बाद फिर बनवा के, और सबका जब टेस्ट जब तक सबका नहीं हो जाता तब तक बैरक में बैठे रहना है। उसके बाद 3 बजे रिजल्ट आएगा 500 लड़कों का, उसमें से जितने सेलेक्ट रहेंगे बस उनका नाम आएगा, और उसके बाद फिर उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इन लोग को उसी समय रिजल्ट के समय ही भगा दिया जाएगा जो रिजेक्ट कैंडिडेट होंगे। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ज्यादा खास नहीं है। ट्रेड टेस्ट तो आपका कहाँ, सिंपल ही है, जिसका एक्सपीरियंस है जो निकाल लेगा। अच्छा आपका कहाँ था? मेरा नासिक रोड में, नासिक ग्रुप बी का जितना भी है ना टोटल नासिक रोड में है। फिजिकल भी था भुसावल में सबका, और ये ट्रेड टेस्ट भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी टोटल सबका नासिक रोड में ही। तो आसनसोल वालों का आसनसोल में ही होगा? हाँ, ग्रुप सी का टोटल नहीं, आसनसोल में नहीं होगा, उसका सेंटर ट्रेड टेस्ट का या तो ECR में, अब जहाँ करा दे कोलकाता सेंट्रल में ज्यादातर तो अभी तक कराया है। अब उन लोग का जहाँ कराया, अब की बार का ट्रेड टेस्ट जहाँ कराया उन लोग का, एक जगह कहीं करेगा, आसनसोल नहीं करेगा। आसनसोल तो केवल फिजिकल के लिए रहा, ऐसा अब कोई दूसरा जगह चूज करेगा या तो उधर मतलब अधिकतम ECR का जहां तक जोन पड़ता होगा ना वहां तक ले सकता है, कोई ठीक नहीं है कि कहां तक ले जा सकता है। और इधर ECR का मुगलसराय तक पड़ता है, इधर भी दे दे सबका ट्रेड टेस्ट, कोई ठीक नहीं है, कहीं भी दे सकता है। अपना नासिक सेंट्रल में लगता है तो नासिक सेंट्रल का पूरा WCR का में WR वो सेंट्रल रेलवे लगता है, तो उसका सेंट्रल में वो दे दिया, क्योंकि इधर नहीं है अपना, केवल भोपाल ही है, तो भोपाल में उतनी व्यवस्था भी नहीं है रेलवे की। उधर में मेन में रेलवे में अपने WCR में मेन में मुंबई है, नासिक है और भुसावल है, 3 है। RPF का वहां पे जोनल ट्रेनिंग सेंटर है, यानी सिलियरली का वहां पे जो कोक वाला है जो मेन नासिक में ही है। ज्यादातर लड़के जितने भी सिलेक्ट होंगे, ज्यादातर कैंडिडेट ग्रुप बी वाले, वो नासिक में ही ट्रेनिंग सेंटर देगा। कॉन्स्टेबल ने बताया हमारे से, जितना भी बताया हमसे वो हमने पूछ लिए उससे बैठा के, तो बोला कि ज्यादातर चांस इसमें कम है क्योंकि मेरिट तो बनेगी ही हाई, लड़के इतने इतने ले रहे हैं। अपने ग्रुप बी का सीट भी 75-80 है टोटल मिला के वाटर कैरियर का, और ले रहे हैं वो बहुत बहुत लोग, बहुत बहुत ले रहे हैं, तो मेरिट में सबको अलग करेगा। मेरा भी चांस कम ही है, नंबर क्योंकि कम है, 40 नंबर है, मिले तो है मेरे को फुल नंबर। एक्सीलेंट बोला था, बोला एक्सीलेंट वो उसे वो देख के मेरी आलू की कटिंग और प्याज की कटिंग, क्योंकि मैं वो उस पे रख के और अच्छे से एकदम एक साइज भी देख रहा है प्याज की, ये भी मैं भूल आपने गया था। मेरी वीडियो देखी थी जो मैंने बनाई थी? जी, तो उसी प्रकार से करवा रहे हैं ना सब कुछ? हाँ, सब कुछ उसी प्रकार है, और जो मैं बोला हूँ वही है सेम, और कुछ डरने वाली बात नहीं है, कुछ तो नहीं करा रहे हैं बस, वही सब तो मैं सिंपल है। जो कुछ भी लेके आता हूँ एक्सपीरियंस बेस पर लेके आता हूँ। कुछ हाँ, साथी मेरे से जैसे कमेंट करते हैं कि आप फालतू वीडियो बनाते हो, नहीं ऐसा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बस यही जो मैं बोला हूँ इससे एक्स्ट्रा एक भी नहीं कराएगा, यही 5 ही चीज करवा रहे हैं, 4-5 चीज, वो सब सिंपल है, वो सब घर में सब करते हैं। और एक आमलेट करा तो आमलेट का सीख लेंगे लड़के, बोल हाँ दीजिएगा आप वीडियो में जो भी हो, और हाँ भट्टी वाला मेन बोल दीजिएगा, भट्टी में क्योंकि बहुत भयंकर 90% लड़के नहीं, मारे जो जा रहे आप हैं। बोल रहे हो ऐसे ही, जैसे मैंने वो भैया का रिकॉर्ड किया था ऐसे ही मैं आपका कर रहा हूँ, ऐसा ही वीडियो जी डाल जी लूंगा, जी कोई दिक्कत नहीं हो। जी आप नो नो और कोई संदेश नो देना प्रॉब्लम चाहते हो अपने भाइयों को तो और दे सकते हो, कुछ बोलना जी, चाहो। नहीं बस 90% वही लड़के भट्टी में, और ज्यादातर 80% रोटी ही बनवा रहा है ऐसा लड़कों से। हाँ, और दूसरे ट्रेड वालों को तो मैं जानता ही नहीं, बस वाटर कैरियर में मैं था, वाटर कैरियर का अंदाजा था बस, चलो यही है अच्छा है बस। आपने अपना अनुभव शेयर किया, आपके भाई लोगों को इससे मदद मिलेगी। जी और इससे मैं और भी साथियों से कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से जो भैया ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसी अनुभव को सभी लोगों के साथ शेयर करें, जिससे क्या है और लोगों को भी सहायता मिल सके। जी और आप ये बताइए, मैंने जो वीडियो बनाई थी सभी आपके लिए जो हेल्पफुल रही सर? जी 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 सर, बहुत हेल्पफुल रही सर। सर मैंने आपका वीडियो देख के गया था यहाँ से। थैंक यू सर, क्योंकि मैंने जी सर, हमारे जो सुमित जी हैं वो संपर्क से थे, तो उन्होंने कहा क्या है, मैंने आपको जैसा वीडियो में हर बात बताता जी हूँ सर, सुमित जी ने, तो क्या अनुभव के आधार पर मैंने बनाई थी, कोई भी वीडियो फालतू नहीं थी। जी सर, मैंने वो उस पर कमेंट भी किया था कि मेरा 5 अगस्त को है,
हाँ सर, मैंने देखा भी था, और मैंने सर। आपसे आपके संपर्क में सर और कोई भी हो ना जिनका आगे होने वाला हो, सर उनका नंबर मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या मुझे सीधा हाँ सर, संपर्क हमारे कीजिए। ग्रुप जैसे कि भुसावल में हम लोग 5 तारीख को था, तो 12 नंबर ग्रुप में हम लोग दौड़े थे, तो हाँ उसमें के 12-14 लड़के हम लोग का अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के, और दूर दूर के लड़के थे सब, केरला के कोई था, हाँ कोई इधर का था गुवाहाटी, सब दूर हाँ दूर के लड़के सेंटर डाल दिए थे, और कुछ तो इंदौर के भी थे, तो उनके सबका नंबर है, सबका 10-12 तारीख को है, और उनका किसी का सर 9 तारीख को भी है। उनका नंबर मुझे शेयर कर देना सर, जी जी और मुझे जी उस ग्रुप में जोड़ देना, जी जी तो जरूर उससे क्या है मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ और भी शेयर करता रहूंगा, लोगों के साथ क्या हो रहा है जी क्या नहीं सर, हो रहा है, सही है कि जी नहीं। सर। ठीक है सर, आप कोई एकेडमी धन्यवाद। चलाते हो सर? क्या? आप कोई एकेडमी चलाते हो? हाँ वैसे बेसिक चैनल जो हमारा है वो स्टडी का चैनल है, मैं आपको बताना यस सर, चाहूंगा, तो यस सर, लेकिन अभी क्या है जी आरपीएफ जो ट्रेंडिंग में चल रहा है इस कारण से मैंने इस टॉपिक को भी पकड़ लिया। बेसिक जो हमारा जी सर, चैनल जी काम सर। करता है वो हाँ 6th क्लास हाँ से सर, लेकर 12th क्लास तक, जो अभी शुरू हुआ है 6th से लेकर 12th तक सारी एकेडमी क्लासेस अवेलेबल होंगी, जी सर, और जी सर, साथ ही में जो चैनल के नीचे जो एक और चैनल दिया है उसमें जो कंपटीशन की क्लासें हैं अवेलेबल होने वाली है, मतलब यस हमारी सर, क्या है यस बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है तैयार, जैसे वाईफाई जो स्टडी आपने सुना होगा हाँ सर, हाँ सर, उसी लेवल पर सारी तैयारियां चल रही हैं, बस जल्द से जल्द आप लोगों के कानों तक बात पहुंच जाएगी। जी सर, बस आप लोग जो है जल्द अपने भाई लोगों से भी बोल देना कि अपना नंबर मुझे शेयर कर दें। जी सर, बिल्कुल, मैं इसी प्रकार आपका जो आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना जो है एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया, धन्यवाद बहुत जी सर, बहुत। जी सर। चलो मैं आपका जो है ये वीडियो डालूंगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर, आपके भाई लोगों को ध्यान सहायता रखते हो। मिलेगी इससे। जी सर, जी सर, जरूर मिलेगी सर, थैंक यू भैया, बहुत बहुत मिलेगी। ठीक है सर। धन्यवाद।